टोक्यो ओलंपिक 2020 के बैडमिंटन महिला विभाग में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और इजराइल की शटलर केंसिया पोलिकार्पोवा के बीच खेला गया, जिसमें पीवी सिंधु 2-0 से शानदार जीत दर्ज किए। यह मैच कुल 28 मिनट का चला। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच 28 पॉइंट का खेल हुआ और यह गेम 13 मिनट का चला, जिसमें पीवी सिंधु 21 पॉइंट हासिल किए तो केंसिया पोलिकार्पोवा 7 अंक हासिल करे। सबसे लगातार अंकों में पीवी सिंधु ने 13 अंक हासिल किए तो पोलिकार्पोवा ने 2 अंक हासिल किए। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बिना सर्विस करते हुए 5 अंक अर्जित किए तो वही इजराइल की शटलर 4 अंक हासिल किए। सर्विस करते हुए पीवी सिंधु ने 16 अंक अर्जित किए तो वही पोलिकार्पोवा ने केवल 3 अंक अर्जित किए। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 अंकों का खेल हुआ और यह गेम 16 मिनट का चला, जिसमें पीवी सिंधु फिर एक बार 21 पॉइंट हासिल किए तो केंसिया 10 अंक हासिल करे। सबसे लगातार अंकों में पीवी सिंधु 5 अंक हासिल किए तो पोलिकार्पोवा 2 अंक हासिल किए। बिना सर्विस करते हुए पीवी सिंधु ने 8 अंक अर्जित किए तो वही इजराइल की शटलर पोलिकार्पोवा भी 8 अंक अर्जित किए। सर्विस करते हुए पीवी सिंधु 13 अंक अर्जित किए तो पोलिकार्पोवा ने केवल 2 अंक अर्जित किए। इसी के साथ पीवी सिंधु आसानी से इस मैच को अपने नाम कर गई।